हेलो एवरीबॉडी, वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम बात कर रहे हैं फ्लूइड प्रोजेक्ट मॉडल की। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखें तो मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बनी होती है। यहाँ पर इसके अंदर एक जनरल सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कितना प्रोटीन होता है, कितना लिपिड होता है और कितना कार्बोहाइड्रेट होता है तो हम देखें। ये बोर्ड के ऊपर देखिएगा तो केमिकल नेचर देखते हैं, मतलब प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन यह जनरल सेल के अंदर 60 से 65% है, लिपिड 30% है और कार्बोहाइड्रेट 1 से 5% यहाँ पर होता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ ऑलिगोसैकेराइड के रूप में यहाँ पाया जाता है जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाते हुए या एक ब्रांच बनाते हुए ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में उपस्थित रहता है। यहाँ अब अपन स्टडी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। आरबीसी जो है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की तो उसमें पाया गया है कि उसमें प्रोटीन 52% है, लिपिड इसमें 40% है और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है 8% यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट होता है। ये तो अपन इस प्रकार से केमिकल नेचर देख सकते हैं। लिपिड इसके अंदर जो होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है और फॉस्फोलिपिड में स्पेशली जो एनसीईआरटी के अंदर वर्ड काम में लिया गया है फॉस्फोग्लिसराइड टाइप की फॉस्फोलिपिड इसमें पाई जाती है। तो ये आप यहाँ पर एक केमिकल नेचर के रूप में बता सकते हो। नीट के अंदर इस केमिकल नेचर से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक बात आप इंपॉर्टेंट थिंग थी जो यहाँ कंप्लीट हुई। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग एक विशेष करेक्टर आपने पढ़ा कि यहाँ पर ये मॉडल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अनुसार बताता है। क्या बता रहा है कि ये फ्लूडिटी शो कर रहा है, ये यहाँ तरलता शो करता है जो अपने पूर्व वीडियो में बात की थी। फ्लूडिटी के कारण इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक विशेष कैरेक्टर बन जाता है, एक विशेष गुण डेवलप हो जाता है जिससे वो कुछ विशेष फंक्शन करता है। तो विशेष फंक्शन में यहाँ पर फ्लूडिटी का जो मैंने बात की यहाँ पर फ्लूडिटी इस फ्लूडिटी के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फंक्शन किए जाते हैं इसमें पहला जो फंक्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा सेल ग्रोथ का जो करेक्टर आता है। कोई भी सेल है वो ग्रो कर रही है, क्यों कर रही है, फ्लूडिटी के कारण कर रही है। फ्लूडिटी का कारण क्या है, फॉस्फोलिपिड है। और इसके बाद में दूसरा एक करेक्टर यहाँ पर डेवलप होता है फ्लूडिटी के कारण जिसे अपन कहते हैं सेल डिवाइड कर रही है तो ये भी फ्लूडिटी के कारण हो रहा है यहाँ पर। तीसरा एंडोसाइटोसिस का करेक्टर जो किसी भी ठोस या तरल पदार्थ को कोशिका की मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर लेना तो फ्लूडिटी के कारण क्या होता है, ये इसके अंदर इनिजुलेट हो जाती है और उस पदार्थ को अंदर ले लेती है। तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस का करेक्टर इसमें डेवलप होता है। इसी प्रकार कह सकते हैं किसी पदार्थ का सीक्रेशन करना या एक्जोसाइटोसिस का करेक्टर है वो भी फ्लूडिटी के कारण यहाँ पर होता है। इसी प्रकार एक करेक्टर और बताया था सेल जंक्शन है वो इसी फ्लूडिटी के कारण दो सेल के बीच में आपस में कनेक्शन जो बनता है, एक जंक्शन बनता है, वो सब ये फ्लूडिटी के कारण यहां बनता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूडिटी के कारण कौन-कौन से लक्षण है, कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप होते हैं। तो सेल ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, एंडोसाइटोसिस है, सीक्रेशन करना है और सेल जंक्शन है। ये सब जो कैरेक्टर है, ये सब जो कार्य है वो फ्लूडिटी के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कारण के द्वारा अपन क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसके अंदर मैंने कहा प्रोटीन पाई जाती है, फैट पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन आपको टू टाइप की बताई थी, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन है वो 70% प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन है वो यहाँ पर 30% प्रोटीन यहाँ पाई जाती है। इंटीग्रल प्रोटीन में कई प्रकार की पोरिन प्रोटीन के रूप में या चैनल प्रोटीन के रूप में या अंदर दंशी हुई आदि दंशी हुई प्रोटीन के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। अब ये क्या क्या फंक्शन यहाँ पर करती है, तो इस फ्लूडिटी के कारण ये जो करेक्टर यहाँ डेवलप होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल ज्यादा बेटर वर्ड है और जो भी सब्सटेंसेस है उनके लिए सिलेक्टिव परमिएबल वर्ड लिया जाता है और वाटर के लिए यहां पर सेमी परमिएबल वर्ड काम में लिया जाता है। अब इस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं, तो कुछ यहाँ पर फंक्शन मैं यहाँ बता रहा हूँ जो इसके द्वारा किए जाएंगे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑस्मोसिस का कार्य किया जाता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। सेकेंड यहाँ पर डिफ्यूजन का कार्य यहाँ पर डिफ्यूजन और इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर एक और ट्रांसपोर्ट होता है इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का कार्य किया जाता है। चौथा यहां पर कार्य एक्टिव ट्रांसपोर्ट
एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कार्य किया जाता है, और पांचवा यहां पर एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, और सिक्स नंबर यहां पर एक्जोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस का फंक्शन यहां पर किया जाता है। तो ये कुछ कार्य है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां संपन्न करती है। ऑस्मोसिस है वो, ये वर्ड ये वाटर के लिए लिया जाता है कि यहां पर वाटर मूविंग करता है, जबकि डिफ्यूजन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस है इस ट्रांसपोर्ट के अंदर है। वो पदार्थ कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सब्सटेंसेस मूवमेंट करते हैं। तो वन बाई वन अपन करेंगे यहां पर कि किस प्रकार से कौन सा ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, और कौन सा ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वर्ड है वाटर के लिए लिया जाता है। वाटर यहाँ पर मूव करता है, कैसे मूव करता है, सपोज करो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक एक छोटा सा सेल का एक पार्ट लिया जिसके एक साइड में यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स है, इस प्रकार के ये यहाँ पर मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के यहाँ बीच में वाटर, इसके अंदर यहाँ पर ये सब्सटेंस है, और सब्सटेंसेस के बीच में यहाँ पर वाटर यहाँ प्रेजेंट है, तो इस प्रकार से ये वाटर प्रेजेंट है, और दूसरी साइड में यहाँ पर फिर भी यहाँ पर भी वाटर है, सेल के अंदर भी यहाँ पर वाटर है, और सब्सटेंसेस यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। लेकिन इधर ये सब्सटेंसेस की बात करें, इधर सब्सटेंसेस है, सब्सटेंस है वो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में है, यहाँ पर सब्सटेंसेस, इसमें सब्सटेंसेस मैक्सिमम अमाउंट है, यहाँ पर सब्सटेंसेस यहाँ मिनिमम अमाउंट में है। मैक्सिमम क्या है, वाटर, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम है, इसके अंदर इस साइड में वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ कम है। तो अब ये बात आपके समझ में आ गई, मेम्ब्रेन के एक साइड में जो आउटर एनवायरनमेंट है ईसीएफ का एनवायरनमेंट है, एक मेम्ब्रेन के अंदर का जो आईसीएफ या फिर आईसीएफ इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है। तो इधर या वाटर कम है, इधर वाटर ज्यादा है, इधर सब्सटेंसेज क्या है ज्यादा है, इधर सब्सटेंसेज कम है। तो यहां पर आप देखिएगा, अब वाटर किस साइड से किस साइड में मूवमेंट करेगा यहाँ, तो वाटर यहाँ पर लो सब्सटेंसेज टू हाई सब्सटेंसेज है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेज है, इस प्रकार से ये वाटर मूवमेंट कर रहा है। तो वाटर की डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन इस प्रकार से ये होगी। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल लो सब्सटेंसेज, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेज, या सब्सटेंसेज लो कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेज टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेज। इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर मूवमेंट करता रहेगा, और ये कब तक मूवमेंट करता रहेगा, जब दोनों साइड में होमोजेनस कंडीशन न हो जाए तब तक ये मूवमेंट करता रह रहा है। तो इसे अपन क्या ऑस्मोसिस कहते हैं, इस घटना को, इस इवेंट को ऑस्मोसिस कहेंगे। यदि वाटर अंदर सेल के अंदर मूवमेंट कर रहा है तो इस घटना को अपन एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। यदि मान लो कंडीशन उल्टी है, यहाँ पर ऑपोजिट कंडीशन है और वाटर बाहर आ रहा है, या किसी कंडीशन से, किसी कारण से, या कंसंट्रेशन मान लो यहाँ पदार्थों की बाहर ज्यादा हो गई और अंदर पदार्थों की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ऐसे ऑस्मोसिस को एक्जो ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपके यहाँ मैं जहां तक समझता हूँ समझ में आई होगी, ये एक्जो ऑस्मोसिस क्या है, एंडो ऑस्मोसिस क्या है। आरबीसी के केस में ध्यान रखें, आरबीसी के इसमें 0.9% NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl का जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो यहां पर आइसोटोनिक प्रकार का सॉल्यूशन बनाता है, आइसोटोनिक के सॉल्यूशन बनाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीसी के केस में 0.9% NaCl का सॉल्यूशन क्या आइसोटोनिक है। अब ये आइसोटोनिक और ये हाइपरटोनिक ये क्या है, ये क्या नया वर्ड और आ गया, तो ऑस्मोसिस का इस पर इफेक्ट पड़ता है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, या कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हम पदार्थ को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक आइसोटोनिक प्रकार का सब्सटेंस, आइसोटोनिक प्रकार का सॉल्यूशन, और दूसरा हाइपोटोनिक प्रकार का सॉल्यूशन, और तीसरा सॉल्यूशन यहां पर हाइपरटोनिक प्रकार का,
हाइपरटोनिक प्रकार का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को अपन तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। आइसोटोनिक आरबीसी का केस लिया है, 0.9% एनएसीएल का सॉल्यूशन है वो आरबीसी के लिए क्या है, आइसोटोनिक है। अर्थात आप क्या ले सकते हो कि सपोज करो एक यहाँ पे बीकर लिया एक और उसके अंदर एनएसीएल का सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन क्या है, 0.9% एनएसीएल का सॉल्यूशन है और इसके अंदर आरबीसी आपने डाल दी। तो जैसे ही इसके अंदर आरबीसी आप डालोगे तो यहाँ पर आरबीसी के अंदर का और आरबीसी के बाहरी एनवायरमेंट है उसका सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है वो सेम है, इसलिए आइसोटोनिक कहेंगे। आइसोटोनिक कहेंगे तो इसमें न तो वाटर क्या है बाहर से अंदर जाएगा और न ही वाटर है अंदर से बाहर आएगा, तो किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होगी ऐसे में, नहीं होगी, तो ऐसे सोल्यूशन को अपन कहेंगे आइसोटोनिक प्रकार का सोल्यूशन। दूसरा हाइपोटोनिक प्रकार का सोल्यूशन जिसमें एनएसीएल की कंसेंट्रेशन अपने यदि कम कर दें तो ये मान लो कंडीशन नंबर दो यहां पर ली कि इसके अंदर यहां सपोज करो 0.6% एनएसीएल का सोल्यूशन है तो यहां और इसके अंदर आरबीसी को अंदर डाल दिया गया तो आप देखिएगा यहां बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया और अंदर क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो इसलिए पदार्थ बाहर कम है तो पानी क्या करेगा, जल क्या करेगा, अंदर एंटर करेगा और अंदर एंटर करेगा तो आरबीसी का शेप है वो खुल जाएगा, यहां पर सोलन हो जाएगी यहां, क्योंकि जब तक पानी अंदर एंटर करता रहेगा जब तक होमोजेनस न हो जाए यहां। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को डालने पर आरबीसी क्या खुल जाती है। इसके ऑपोजिट हाइपरटोनिक प्रकार का सॉल्यूशन हो, यदि मान लो ये यहाँ 0.9 ने करके यहाँ 1.0% एनएसीएल का सॉल्यूशन हो तो ऐसे केस के अंदर आप देखिएगा बाहर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, ज्यादा यहाँ पर हो जाएगी और अंदर की सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो वाटर क्या करेगा यहाँ पर पदार्थों की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होगी तो वाटर क्या बाहर आएगा, यहाँ जैसे बाहर आएगा तो आरबीसी का शेप है वो यहाँ कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट आरबीसी पर कर सकते हैं कि आइसोटोनिक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक प्रकार का सॉल्यूशन हो तो किस प्रकार से वाटर मूवमेंट करता है। तो ये सब रोल है वो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मैंने कहा चैनल प्रोटीन पाई जाती है जो एक्वापोरिन प्रोटीन है। इस एक्वापोरिन प्रोटीन के बीच से पोरस से होते हुए वाटर के बाहर से भीतर या भीतर से बाहर अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस है मूवमेंट करते हैं। तो ये यहां पर इस घटना को अपन ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये बात आपके यहां ऑस्मोसिस की बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार अब आगे चलें और अन्य फंक्शन यहां पर किए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो आगे अपन दूसरे फंक्शन देखें तो यहां पर डिफ्यूजन मेथड है या पैसिव ट्रांसपोर्ट की मेथड है। तो डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट में अपन क्या कहेंगे, तो इसमें देखिएगा डिफ्यूजन के केस के अंदर अपन हाई कंसेंट्रेशन, यहां पर पदार्थ सब्सटेंसेस मूवमेंट करते हैं। ये मान लो ये पदार्थ है, इसकी कंसेंट्रेशन यहां पर हाई कंसेंट्रेशन है, ये कंसेंट्रेशन है यहां पर हाई है सब्सटेंसेस की और ये बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये दूसरी साइड में पदार्थ है वो कम यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ में पाए जाते हैं। तो ये पदार्थ हमेशा हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा मूवमेंट करेंगे या पोरस से मूवमेंट करेंगे, जो चैनल प्रोटीन है उसके द्वारा यहाँ मूवमेंट करेंगे। तो आप कह सकते हो कि हाई कंसंट्रेशन द सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार का यदि मूवमेंट हो रहा है, इसमें पदार्थ मूवमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना है, वहां पर क्या कर रहा था वाटर मूवमेंट कर रहा था, यहां पर पदार्थ मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है तो इसे अपन डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डिफ्यूजन कह रहे हैं या पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, पैसिव इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज है वो नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का यूज है वो नहीं होता है। तो जैसे ही अपन देखते हैं अपने बहुत सारा फूड अपन खाते हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, डाइजेशन होता है, तो इंटेस्टाइन में उन फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, वो मोस्ट ऑफ फूड है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से यहाँ अब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रकार की घटना यहाँ पर होती है। नॉर्मल एनवायरमेंट के अंदर ऑल गैसेज है वो डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन है वो यहाँ परिवहित होती है, सर्कुलेट होती है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन कहेंगे। तो ये जहां ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद में तीसरी प्रकार की जो घटना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो एक लिमिटेड ट्रांसपोर्ट होता है जो अपने सेल के अंदर अपने इंटेस्टाइन में मोस्टली ये ट्रांसपोर्ट देखा गया है, फैसिलिटेटेड जिसमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मान लो आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको बताया था ये इस प्रकार से बीच में प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन क्या कर रही है किसी पदार्थ को अपने साथ में बाइंड करके और दूसरी ओर यहां पर छोड़ने का काम करती है।
दूसरी साइड ये थी, तो यहां पर ये पदार्थ को छोड़ने का काम कर रही है, जिसमें प्रोटीन कैरियर के रूप में यहाँ है, किसी भी सब्सटेंस को यहाँ बाइंड करके और यहाँ छोड़ती है। तो इसे अपन क्या करेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ यहाँ पर सम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सम एमिनो एसिड मॉलिक्यूल और मोस्ट ऑफ स्पेशली फ्रुक्टोज जो मॉलिक्यूल अपने इंटेस्टाइन के अंदर, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड डिवीजन के द्वारा होता है। डाइजेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर भी बनता है, तो ये बात भी आपके समझ में होगी, जिसमें कैरियर प्रोटीन के द्वारा और यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें भी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में यहां ट्रांसपोर्ट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मीनिंग यहां पर है कि ये जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड में यहां मॉलिक्यूल है, वो यहां पर मॉलिक्यूल है वो आपके कम सांद्रता के साथ में, कम संख्या में पाए जाते हैं, और दूसरी साइड में ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा संख्या में है, अर्थात इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, एक साइड में ज्यादा है एक साइड में कम है। लेकिन ये मॉलिक्यूल है यूजफुल फॉर द बॉडी सेल्स, तो उस केस के अंदर आप देखिएगा कि यहां से इन मॉलिक्यूल को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत यूजफुल है। जैसे अपने इंटेस्टाइन में डाइजेशन के पश्चात एमिनो एसिड है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, उसके पश्चात भी कुछ एमिनो एसिड बच जाते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, तो और इसी प्रकार कुछ सोडियम आयन, कुछ पोटेशियम आयन है वो बहुत यूजफुल होते हैं, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना आवश्यक होता है। तो इन कम पदार्थों को अपन कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में हो रहा है यहां पर, क्योंकि यहां कम सांद्रता है, तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन है वो पदार्थ मूवमेंट कर रहे हैं, या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये पदार्थ मूवमेंट कर रहे हैं, या अपन कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ये पदार्थ मूवमेंट कर रहे हैं, जिसकी के कारण क्या है, यहां पर इन पदार्थों को मूवमेंट करना करवाने के लिए एटीपी खर्च होती है, एटीपी यूज होती है। तो इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट जहां एटीपी यूज में आ रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को अपन क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर है वो एक्टिव ही यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अपने नेफ्रॉन के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट का, वो भी क्या है, वो सर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट में सोडियम और पोटेशियम पंप जो है, सोडियम पोटेशियम पंप न्यूरॉन के अंदर आपने पढ़ा था, अपने न्यूरॉन में इंपल्स कंडक्शन में पढ़ा कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन है, तीन सोडियम आयन जब अंदर से बाहर जाएंगे तो दो पोटेशियम आयन बाहर से भीतर आएंगे, तो इसे अपन एक पंप मूवमेंट करता है, एक पंप मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें ऊर्जा खर्च हो रही है। ऐसे पंप के ट्रांसपोर्ट को अपन कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि ये बात आपकी समझ में आई होगी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये पूछ लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड मेनी सब्सटेंसेस इन इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिवली बाय द एक्टिवली, फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड्स है, सोडियम आयन है, सम ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर एक्टिवली अब्सॉर्ब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट अब्सॉर्ब इन द इंटेस्टाइन टू द ब्लड, तो ये आप अपन यहां बता सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो मेथड है उसको अपन कहेंगे एंडोसाइटोसिस मेथड या एक्सोसाइटोसिस मेथड के द्वारा भी यहां पर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है। एंडोसाइटोसिस, एंडो मींस अंदर, साइटोसिस मींस सेल के द्वारा, तो सेल के द्वारा किसी पदार्थ को अंदर लिया जाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक पिनोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस और दूसरा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस को टू टाइप में डिवाइड करते हैं, एक पिनोसाइटोसिस और एक फेगोसाइटोसिस। तो मान लो कोई भी ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास में कोई तरल पदार्थ यहां संपर्क में आया, तरल पदार्थ संपर्क में आया, तो ये मेम्ब्रेन फ्लूडिटी के कारण ऐसे एक वैक्यूल है, एक कैविटी बनेगी यहां पर, इस पदार्थ को अंदर ले लेगी और फिर यहां पर ये एक वैक्यूल के अंदर ले लेगी, इसे अपन पिनोसोम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इस तरल पदार्थ को, फ्लूड जो सब्सटेंसेज है, इसको सेल के द्वारा, तरल पदार्थ को सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर लेने की जो क्रिया है, इस क्रिया को अपन पिनोसाइटोसिस कहते हैं। यदि मान लो यहाँ तरल पदार्थ ना हो, कोई सॉलिड मटेरियल हो और उस सॉलिड मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन अंदर ले रही है, जिससे पिनोसोम के स्थान पे फेगोसोम बनता है, फेगोसोम का निर्माण होता है,
तो ऐसी घटना को अपन फैगोसाइटोसिस की क्रिया कहते हैं। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया का जो एंगल्फिंग है, बैक्टीरिया को जो नष्ट करने की क्रिया डब्ल्यूबीसी के द्वारा या मास्टर सेल के द्वारा या हिस्टियोसाइट सेल के द्वारा, तो ये इसी विधि के द्वारा, फैगोसाइटोसिस विधि के द्वारा उन फॉरेन पार्टिकल डेब्रिज को अंदर लेके उसे नष्ट करती है। तो इस क्रिया को अपन फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के द्वारा फूड ग्रहण करती है, तो इस प्रकार की क्रिया को आप एंडोसाइटोसिस कहेंगे। इसी प्रकार एक्सोसाइटोसिस से क्या है, तो मान लो क्योंकि ये सेल थी, ये सपोज करो एक सेल थी, सेल के अंदर फूड का डाइजेशन होने के पश्चात कुछ पदार्थ अपशिष्ट रूप में अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है, इसे बाहर निकालने की क्रिया, इन पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। जो भी सेल का कई बार हार्मफुल प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकालते हैं, एग्जिट करने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को अपन एक्सोसाइटोसिस की क्रिया कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस की घटना यहाँ पर संपन्न हुई। तो इस प्रकार से एक साइड से एंडोसाइटोसिस और दूसरे साइड से साइटोसिस के यहां पर क्रिया होगी। तो ये करवाता कौन, एक्चुअली में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसा क्यों करवा रहा है कि इसके अंदर एक बेसिक जो करेक्टर है फ्लूडिटी का, उस करेक्टर के कारण ये सब काम किया जाता है। तो ये यहां एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की क्रिया हुई। तो मैं यहां तक समझता हूं कि ये बात आपके यहां समझ में आई होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। ये बात आप यहां तक समझ में आ गई होगी। अब इसको आप एक बार और वाचिंग करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे अपने फ्रेंड के पास में इस वीडियो को भेजें, जिससे हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके। थैंक यू वेरी मच।